नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ कौन सी नर्सरी है? ये गुलमोहन नर्सरी। गुलमोहर नर्सरी में आए हुए हैं। ये श्रीमान जी हैं जो राजन के, सिंह। क्या शुभ नाम है आपका? राजन सिंह। राजन सिंह जी। राजन सिंह जी हैं। ये आपको बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से पौधे मिल जाते हैं और किस तरह के उसमें नेचर है, तो ये बताओगे ये कौन सा पौधा है? ये इंडोर प्लांट है जी, सदाबहार पौधा है। अच्छा, ये सदाबहार पौधा है। और उसके अलावा वो कौन सी है? दफन बेची है ये, सदाबहार इंडोर प्लांट अंदर का है। अच्छा, इसमें फूल आएंगे? नहीं जी नहीं। अच्छा, इसमें फूल नहीं आएंगे। अच्छा, ये कौन सा है? ये रोजीना है जी, इसमें पत्ते पत्ते एक सौ होती है, फूल फल नहीं आते हैं। अच्छा 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 आप हमें ना थोड़ा सा हम थोड़ा सा खट जाते हैं, आप ये बताओ ये क्या चीज़ है? विक्रम जी थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए। हाँ, थोड़ा ऊपर ऊपर। हाँ, ये जामुनिया बाम है जी। ये कौन सा है? जामुनिया बाम। जामुनिया बाम इसका क्या होता है? नहीं नहीं, ये साउथ माने अपना जैसे पहाड़ी पूरी बनती है। अच्छा, उसमें बनता है। तो इसका कितना कॉस्ट आ जाता है? देखो 250-300 की रेंज है। मेरे 250-300 में ये कितना अच्छा सा आप ले सकते हो? इसमें मान चलो आप जैसे ठेके टू काम यूज़ करते हैं तो 1000-1500 रुपये रेंज आती है। और ये क्या चीज़ है? इसको यूनिपर्स गोल्डन बोलते हैं। अच्छा, यूनिपर्स गोल्डन, इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि ये पहाड़ी टाइप में अपने आप बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी कटिंग शटिंग नहीं करनी पड़ती। बात बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए ये क्या चीज़ है? इसको भी रोजीना बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये सजावटी होता है, फूल फल नहीं आता है। मिट्टी। हाँ, अंदर वाले पकड़ा सारे पौधे जो पड़े आपको, मतलब इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट। तो ये ऊपर क्या रखा हुआ है देखना? ये ऊपर, ये ऊपर इसको बोलते हैं जी ग्रीन हाउस। अच्छा, ये ग्रीन हाउस है, मतलब की ठंडक आएगी। हाँ जी हाँ, गर्मी गर्मी नहीं आएगी। गर्मी नहीं आएगी। ठीक ठीक ठीक। आगे थोड़ा देर पकड़ी वो अभी बता रहे हैं। ये 5000। 5000 का? हाँ। ये कैमरा कितने का है? रिकॉर्डिंग होता है, फोटो भी खींच। हाँ, फोटो दोनों है। दोनों। वो जो पौधा देख रहे हो ना, वो एलोवेरा का है, उसका क्या बेनिफिट है? वो जैसे मुंह में दाने दूने पड़ जाते हैं जी। अच्छा, दाने। कई लोगों को शुगर पकड़ होता है। अच्छा, शुगर के लिए वो एलोवेरा का क्या करना चाहिए? इसके मैंने पत्ते जो है इसको हल्का सा उबाल के ही, ठीक, इसमें जो पानी निकलता है वो निकाल के यूज करना चाहिए। अच्छा, उसको निकाल के उसका पानी पीना चाहिए। हाँ जी हाँ, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी मेडिसिन है? और मेडिसिन ये पड़े हैं जिससे आगे नीम पड़ी है जी। हाँ ना, नीम का ब्लैक वाली बटरफ्लाई, मुझे ये वाली बटरफ्लाई चाहिए। मैंने ये आता है कि ये जो नीम है ना, दांतों के लिए बहुत अच्छी है। दांतों के लिए और जो ब्लड है वो क्योर करती है। यस, ये वो नीम लग रही है। ये कुछ डेक लग रही है, डेक है पीछे वाली नीम है। कुछ और भी ऐसे हैं मेडिसिनल के अलावा? ये अश्वगंधा है, पता चट है जो पत्नी के काम आता है। अश्वगंधा कहाँ पे है? अश्वगंधा का बूटा पीछे। अच्छा, वो दिखाओगे अश्वगंधा? बस अश्वगंधा भी देख लेते हैं, बहुत बरसात में उसको बारिश में बचा के रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके पत्थर चट वो आगे बढ़े वो दिखा दो, वो भी पत्नी के काम आता है। ये जैसे पत्थरी के काम हो गया जी। अच्छा अच्छा, कुर्ते में पित्ते में, ये पित्ते के जो पत्थरी है इसको कूट के इसका पत्ते खा जाओ। अच्छा, पत्ते खाएं इसके। हाँ, दो पत्ता नीचे डाल दिए। और वो बेल है, बेल पेट के लिए, पेट के लिए काम, पेट के लिए काम, पेट के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। ऐसे ऐसे पौधे लगे हैं, बहुत खुशी हुई है। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप अपने घर में पौधे बहुत ही लगाइए,
जिससे आप एक तो हेल्थी रहेंगे और दूसरा एक आपको ना अच्छी उसमें खुशबू मिलती रहेगी। फूलों के पौधे लगाइए, फलों के लगाइए, और मेडिसिनल पौधे तो जो ही लगाइए, और कुछ नहीं लगा सकते। जो दवाइयां हैं आज का उसका जितना बजट उतना महंगा होता जा रहा है, उससे तो बेस्ट यही है कि यही जो मेडिसिनल पौधे हैं इनका आप उपयोग कीजिए। हम गुलमोहर नर्सरी में आए, उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसका धन्यवाद, बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू अंकल।